देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 9th है, क्लास 6 का चैप्टर 3rd फ्रैक्शन। यहाँ पे दिया गया है कि 7/12, 8/15 और 6/18। पहले इसका मैं एलसीएम लिया, 2 से काटा, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 बन जाते, 3 9 3/15, फिर 3 से, फिर 5 से एलसीएम लिया, 2 या 4 3 या 12 12 3 या 36 5 या 180। अब देखिए 12 में क्या मल्टीप्लाई करें, 12 है ना 12, तो 4 3 या 12 इसको छोड़ करके 3 5 या 15, और 15 से बन जा 105। ठीक, इसके बाद फिर बच्चों क्या किए, 15 है यहाँ पे, 15 है, 15 को छोड़ करके देखिए, 15 को छोड़ किससे मल्टीप्लाई करें, 12 से, तो 12 8 96। फिर इसके बाद क्या है, 18 है बच्चों, तो देखिए 18 को करना है, तो देखिए 3 9 2 18, तो 5 2 10, 10 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए डिनोमिनेटर 105 + 96 + 60, सबको एक साथ करके ऐड किए, 260/180। इसको डिवाइड किए, पहले 3 से काटे, फिर 3 से काटे, देखिए 3 24, 3 7 21, फिर 3 2 6, 3 9, ऐसे इसको भी डिवाइड किए, 20 आया। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर है, पहले 5 1 5, 2 7 5, 3 4, ऐसे रनिंग, 12 2 24, 5 29/12 + 16 3 48, 7 55/16। इसका एलसीएम लिए बच्चों, तो कितना, 2 2 4 2 16 16 15 16 15 240 आया। अब 240 आया ना बच्चों, तब क्या किए, अब जब 240 आया तो इसको क्या किए, क्या मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो है 5 हो जाता, देखिए 5 को छोड़ करके बाकी देखिए 2 2 4 16 3 48। फिर देखिए 4 था, 4 को छोड़ करके देखिए, 4 को छोड़ करके बाकी इससे देखिए 4 को छोड़ के दिए, 2 2 4 3 4 देखिए 2 2 4 एंड 4 5 20 और 20 3 कितना होता है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसके बाद है देखिए कितना है, 12 को छोड़ के 2 2 4 3 12, तो देखिए 5 4 20 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद देखिए 16 है, यहाँ पे क्या है 16 था, तो 16 को छोड़ करके देखिए यहाँ पे जब 16 छोड़ेंगे यहाँ, तो 5 15 से मल्टीप्लाई किए या अब इसको ऐड करके या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये मेरा आंसर है।